जी हाँ, बीना की कच्ची रोड पर स्थित एटीएम के गार्ड सुनील कुशवाहा से देर रात मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने कट्टे की नोक पर लूट की। लूट की सूचना मिलते ही बीना पुलिस ने तत्काल मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद बीना पुलिस ने लूट के तीनों आरोपियों को धर दबोचा। इंडिया खबर लाइव के लिए बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। रात्रि में करीब 1:45 पे कच्चा रोड के पास एक SBI का ATM है, उसमें गार्ड था सुनील लोधी करके, वो वहाँ बैठा हुआ था, ड्यूटी कर रहा था। उसी दौरान तीन लड़के आए, तीन अपनी बाइक खड़ी की और एक ने पूछा, क्यों भाई ये खुरई रोड तरफ जाना है? तो बोले यही रास्ता है। दूसरा उतर के पीछे से आया, उसके कनपट्टे में एक पिस्टल जैसी वो लगा ली और बोले तुम्हारे पास जो भी हो दे दो। तो उसके पास मोबाइल था, मोबाइल उससे छीना और लेके चले गए। उसी समय पुलिस गश्त भी कर रही थी, तो गश्त के दौरान जब पुलिस कुछ देर बाद ये व्यक्ति थाने पहुँचा, मेरे साथ ये घटना हुई। तो तीनों जो चीता रात्रि में गश्त करते हैं और जो मोबाइल रहती है, मोबाइल में रात्रि में घनश्याम चौबे उपनिरीक्षक हैं, वो गश्त कर रहे थे। उन लोगों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर करीब हमने 5 बजे उस मोटरसाइकिल और तीनों लोगों को पकड़ा। पकड़ने के बाद जब सुबह पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और लूट का मोबाइल जब्त हुआ और घटना करने में जो इनने पिस्टल वो उपयुक्त की थी उसको भी जब्त किया और आज उनको लेखापढ़ी करके माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं।